ये यस आप बताओ बेटा, बोलो। जी सर, कैमरा चालू नहीं हुआ अभी सभी आपका। हाँ यस अब सही है। ठीक है हाँ बोलो बेटा बोलो, वेरी गुड। जी। सभी साथियों को जय भीम जय भारत। जी जैसे कि मैम ने इतने अच्छे से समझाया है कि एक औरत को जागरूक होना चाहिए, और क्योंकि जो एक औरत होती है ना, वो एक इमारत की नींव जैसी होती है। जैसे कि एक इमारत को मजबूत होने के लिए एक नींव की ईंट मजबूत होना जरूरी है, वैसे ही एक औरत का जागरूक होना, पढ़े लिखा होना बहुत जरूरी है। आज देखा जाए, आज के टाइम में पढ़ लिख के सब लोग बड़ी बड़ी जॉब्स पे लग जाते हैं, नौकरियों पे लग जाते हैं, पर ये बड़ी दुख की बात है कि वो पखंडवाद में बहुत बुरी तरह फंसे रहते हैं। तो इसलिए हम अपनी एजुकेशन को के जरिए लोगों को जागरूक करें, और स्पेशली लेडीज जो हैं वो अपने जो आने वाली जनरेशन है जागरूक हुई, और लेडीज जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और ये पर ये बड़े ही दुख की बात है कि पखंडवाद में ये बुरी तरह बहुत ही एक बुरे बुरे दल में फंसे हुए हैं। तो इसलिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, और बाबा साहेब के संविधान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज भी ना संभले तो हमारा आने वाला जीवन बहुत ही मुश्किलों में पड़ जाएगा। और कहीं भी जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ें, और जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, उस चीज के लिए लड़ें, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। लड़ने से मतलब ये नहीं है कि अपनी लाठी चार्ज करना है, बल्कि लड़ने का मतलब है कि पढ़ लिख के संगठित होके अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। सो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि हम जो है अपने जो एजुकेशन है उसको इतना मजबूत बनाएं, और ज्यादा से ज्यादा लेडीज को जागरूक होना चाहिए। जी थैंक यू जसप्रीत, थैंक वेरी यू, नाइस तुमने जसप्रीत वेरी नाइस, बहुत आज अच्छा की मेरी आप इंटरव्यू बहुत है, जो और इमारत है की नींव, सोशल वेरी ट्रांसफॉर्मेशन गुड की नींव होना चाहिए, और हमारा यही प्रयास है बेटे, आपको हम सल्यूट करते जी, हैं। आई ब्लेस यू, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू।